होली का त्यौहार और सबको इतनी खुशियां होती है, जितना गुजिया खाने में, रंगों के साथ खेलने में, दोस्तों के साथ मिलने में, मटर गश्ती करने में, लेकिन उतना ही दुख होता है जिसका हेयर फॉल होता है। क्योंकि दोस्तों जब भी ये कलर्स हमारे हेयरों पे गिरते हैं तो हेयर इतने ज़्यादा डैमेज होते हैं जिनका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। हमारे जो स्कार्फ होती है उनमें जाके ये पोर्सों में जम जाते हैं और हमारे हेयर फॉल की जो है जहाँ 10% हो रही है वहाँ सीधा 50% से होने लगती है। तो यही है दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपने कैसे होली के कलर से अपने बालों को केयर कर सकते हैं। होली में आप रंगों के साथ खेल भी सकते हो बिना डैमेज करे अपने हेयर को। तो चलिए वीडियो को जान लेते हैं क्या है उसमें, और वीडियो को चलिए करते हैं स्टार्ट। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ नहीं जाता है, बस एक लाल बटन दबाना होता है, साथ ही बगल में जो घंटा है उसको जरूर दबा देना, नहीं तो हमारे आगे के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मैं चेक करता रहता हूँ, देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन तो जाते हैं लेकिन लोग क्लिक ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आपको ऑल कर देना है घंटा दबा के। और अगर आपको कुछ भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और भी अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मेरे को, मैं आपको हर कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। किसी कमेंट का ऐसा नहीं हो जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं वो क्या है चीज़। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़े पुराने ज़माने में जाते हैं, जब हमारे यहाँ कलर खेले जाते थे या रंगों के साथ, हम लोग अबीर के साथ या बहुत से आर्टिफिशियल जो कलर्स होते हैं उनके साथ हम खेलते थे होलियों में। तो हमारे माँ बाप या नाना नानी से आपने सुना होगा कि बालों में तेल लगा लो, और तेल डिपेंड करता है चाहे आप नारियल का लगाएं या सरसों का लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस कहा जाता था कि आप तेल लगा लो। लेकिन दोस्तों एक चीज और भी देखा गया है आज के टाइम पे, क्योंकि पहले जो था कि जो तेल लगाते थे उससे जो एक तेल लगने के बाद जो हम कलर खेलते थे वो ज्यादातर या तो सूखे फूल के कलर्स होते थे या फिर घर में बनाए हुए कुछ आर्टिफिशियल कलर्स होते थे। लेकिन आजकल जो मार्केट्स में आ रही है उसमें पूरे 99% केमिकल्स है, साथ ही उसमें आर्टिफिशियल कलर मिक्स करा गया है जो हमारे हेयर को डैमेज तो करता ही है, साथ ही जो हेयर ब्रेकेज होता है आपने देखा वो काफ़ी, चाहे लड़की हो या लड़का, बीच में से ब्रेकेज होने लगते हैं, जो हमारी कुर्टिकल लेयर होती है सबसे ऊपर वाली उसको वो छिलने का काम करता है, और उसके बाद जब हम उसको उतारने की कोशिश करते हैं बाल इतनी फ्रिजी और इतने हार्ड हो जाता है कि हमारे हेयर के स्काल्प से कलर 2-3 दिन तक नहीं जाता है। तो ये केमिकल की वजह से होता है, जो कलर बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो दोस्तों इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बालों को डैमेज ना होने दे, ऐसा क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है 1 कप दूध। तो हाँ दोस्तों, दूध घर में जो होता है, आपके घर में जैसे चाय बनाते हैं, घर में जैसा भी दूध है वही दूध लेना है आपको, 1 कप लेना है। 1 कप साथ में आपको पानी लेना है, या उससे थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई डिपेंड नहीं करता। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दूध जो है हल्का पतला हो, बिल्कुल गाढ़ा मलाई वाला दूध नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बालों को और ज्यादा हार्ड कर देगा। तो दोनों को मिक्स बराबर मिक्स करके अपने बालों को जब भी आप मतलब कलर खेलने वाले हैं या होली में कोई आपको लगाने वाला है रंग, तो उससे 1-1.5 घंटा पहले ही अपने बालों को उसको उससे धो लीजिए। कोई दोबारा एक्स्ट्रा पानी आपको धोने की जरूरत नहीं है, बस बाल को सुखा के पूरा बाल से कंघी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप दिन भर खेलिए, दिन भर कूदिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना देर तक आप खेल सकते हैं कलर को। उसके बाद अपने बालों को अच्छे शैम्पू से धो लीजिए, देखेंगे आपके आपके स्कैल्प पे एक भी कलर नहीं जमा हुआ है ना आपके हेयर डैमेज हुआ है। क्योंकि दूध में दोस्तों वो होता है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की वजह से हमारी जो एक कुटिकल लेयर होती है ऊपर में एक प्रोटीन चल जाता है। जैसे आपने मेहंदी करते हुए देखा होगा तो मेहंदी से हमारे बालों में जो कलर आ जाता है वो कोई उसका कलर नहीं होता है, वो एक लेयर होती है कलर की जो हमारे ऊपर बालों पर चढ़ जाती है। सेम ऐसे ही मिल्क काम करता है, जो हमारे बालों पर एक प्रोटीन लेयर चढ़ जाती है, उससे क्या आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रिजी नहीं होंगे, हेयर आपका हेल्दी रहेगा चाहे कितने भी उस पर कलर मिक्स कर ले। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो में जानकारी, जानकर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। साथ ही हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस पहली बार ही आपको ऐसा मिला होगा होली में कि कोई भी आपको इतना जानकारी दिया होगा होली का जो कलरों के लिए। नहीं तो पहले से लोग बोलते थे कि बस ऑयल लगा लीजिए, तो ऑयल मत लगाना, ऑयल से बाल और डैमेज होते हैं, क्योंकि ऑयल के अंदर होते हैं मॉइस्चर जो बाल में बाहर के धूल और डस्ट को और अट्रैक्ट करते हैं। इस चक्कर में आपको मैं कहूंगा कि आप ऑयल मत लगाना, बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप उसके जगह मिल्क लगा लीजिए, बिल्कुल आधा कप लीजिए या 1 कप लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मिल्क से धो लीजिए, 2-3 घंटा खेलिए, उसके बाद उसको बाल को धो लीजिए, आपका बिल्कुल हेयर पहले जैसा रहेगा, कोई डैमेज नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में।